ये स्टूडेंट का ब्रेन जो है ना, सब नहीं समझ पाते हमारे ब्रेन पे कितना लोड है, कितना प्रेशर पड़ रहा है माइंड पे। एक बार इतनी हिम्मत अगर कूदने के लिए बंदा सोसाइटी लिए कर रहा है ना, एक बार इतनी हिम्मत जुटा के अपने पेरेंट्स को बुला के एक बार बोले कि पापा मुझसे नहीं हो पा रहा है। ये ओवर ग्लोरिफिकेशन स्टूडेंट को कभी कभी ये सोचने में मजबूर करता है कि मेरे से कुछ नहीं होगा। शोएब आफ्ताब रैंक वन आया था 2019 में नीट का, वो हर एक कोचिंग वाले उसका बैनर लगाते हैं, उसकी परमिशन लेते हैं, पैसे देते हैं। ये अमाउंट कोई छोटी अमाउंट नहीं है, काफी बड़ी अमाउंट है। मैं यूपी से हूँ, ओबीसी कैटेगरी है, 601 मार्क्स आए, ऑल इंडिया 29,998 रैंक है, उसके बावजूद आज दोबारा ड्रॉप लेना पड़ रहा है। इस वक्त हम कोटा में हैं, मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 12th के बाद ड्रॉप लेकर वो ये प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि हम इनसे बात करते हैं, इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि कोटा में इनकी लाइफ कैसी है, ये क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, इनकी साइड ऑफ द स्टोरी क्या है। तो सबसे पहले तो ऐसे आराम से एक एक करके बताना, मुझे ये बताइए कि यहाँ आप लोग की लाइफस्टाइल क्या होती है, सुबह कितने बजे उठते हैं, कितने बजे कोचिंग जाते हैं, मतलब दिन भर का क्या शेड्यूल होता है। जैसे कि जो जिसका इवनिंग में रहता है और किसी का होता है लेट नाइट स्टडीज, वो करता है तो आमतौर पर 3-4 को वो सोता है, तो हाँ। उसका जगते जगते 8-9 ऐसा हो जाता है। हाँ। जो मॉर्निंग का मॉर्निंग क्लास होती है उसको 6 बजे जगना पड़ता है, उसके 6:45 को क्लास मतलब स्टार्ट हो जाती है क्लास होगी तो जो मॉर्निंग की होती है। हाँ। फिर 1:15 तक क्लास करेगा अपने शेड्यूल के हिसाब से, कोचिंग करेगा उतना पूरी क्लास करने के बाद, 1:15 पर छुट्टी हो रही है यहाँ, वही 1:30-2 बजे तक घर जाएगा इवनिंग की। फिर उसके बाद डाउट काउंटर होता है, मतलब किसी को डाउट्स होते हैं कुछ होगा तो वो अपना 8 बजे तक डाउट काउंटर ओपन रहता है, 8 बजे तक अपना कोई भी डाउट है या कुछ भी मतलब छूटा है, पहले बैकलॉग है जो भी है कर सकता है अपने वहाँ पर। 8 बजे के बाद अपना वही रिलैक्स होता है, एक दो घंटा अपना तो रिलैक्स चाहिए होता है माइंड को करने के बाद, उसके बाद अपना वही शेड्यूल है, पढ़ाई वही और उसके अलावा कुछ है भी नहीं। जैसे स्कूल का शेड्यूल होता है 7 से 12 स्कूल होता था 5-6 घंटे का, वैसे ही आप लोगों की 4-5 घंटे की लगातार कोचिंग क्लासेस होती है। 6 आवर्स मिनिमम, 6 आवर्स मिनिमम, 6 हाँ, 4 क्लासेस चलती है जो 1.25 मिनट्स का होता है, 5-10 मिनट्स का ब्रेक रहता है बीच में, और 4 क्लास ऑन एन एवरेज 4 चलती है, स्टार्टिंग में कभी कभार 3 होती है, जितनी लाइक ईयर एंडिंग आएगी तो 5 भी होती है, कभी कभार 6 भी हो जाती है, या कभी एक्स्ट्रा क्लासेस लग जाती है तब। और हफ्ते में कितने दिन क्लासेस होती है, रोज होती है? 6 डेज होती है, और संडेस को भी एक्स्ट्रा क्लास कर देते हैं कभी कभी, कभी कभी एक्स्ट्रा, जैसे कि अगर कोर्स पीछे चल रहा हो तो एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगा देते हैं, मतलब ये चीज एंडिंग में ज्यादा होता है, लाइक आफ्टर अक्टूबर नवंबर को ये चीज बहुत ज्यादा होता है, एवरी संडे को क्लास पड़ेगा, उतना वही करना पड़ेगा और फिर टेस्ट भी होंगे। कोई एक दिन आप लोग का ऐसा रेस्ट डे नहीं होता, मतलब आप लोग कपड़े कब धोते हैं या बाकी सारे काम? कपड़े संडे ही अगर हॉस्टल वाले लॉन्ड्री वाले, कपड़े वगैरह के लिए तो देखो लॉन्ड्री लगी होती है, लेकिन हाँ ऐसा है कि एंजॉयमेंट के लिए, अपना बाहर घूमने के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए कोई टाइम नहीं मिल पाता, कोई टाइम नहीं मिल पाता। संडे मिलता है बच्चों को, संडे में या तो टेस्ट होता है या एक्स्ट्रा क्लासेस होती है, पढ़ाई का लोड इतना है कुछ नहीं हो पाएगा ना। अब संडे में भी अपना जो बैक जो पिछला है वो रिवाइज भी करना होगा, और ऊपर से जितना भी बैकलॉग है, फिर उसके बाद जो भी पूछना है वो भी करना होगा, संडे में कहाँ कुछ हो पाता है, कुछ नहीं हो पाता, एंजॉयमेंट तो बिल्कुल ही नहीं है। मतलब यहाँ आए हो तो एक ही पर्पज से, सिर्फ पढ़ाई बस, बैकलॉग भी कवर करना रहता है, वो हमेशा छूट जाता है, ऐसा तो है नहीं हर का क्लियर होता चलेगा। केमिस्ट्री में छूटेगा, केमिस्ट्री में भी 3 है, फिजिकल है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, फिजिक्स का छूटा, बायो में छूटा, जूलॉजी में छूटा, तो वो संडे को ही कवर कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और टाइम नहीं रहता हमारे पास। तो आप लोग मतलब जैसे हमने जब साइकोलॉजी पढ़ी थी और हमने ये चीज़ पढ़ी तो हमें ये कंसेप्ट पता चला कि ह्यूमन माइंड, ह्यूमन बॉडी एक सर्टन टाइम बाद ना पॉज जाती है, ब्रेक जाती है, ताकि वो वापस से रिवाइव करे। हर चीज़ का एक एपिटमी होता है कि वहाँ तक अगर फॉलो किया उसके बाद नहीं हो पाता, आप थोड़ा सा ब्रेक लेते हो, रिवाइव करते हो, फिर से वापस। तो वो ब्रेक आप लोगों की लाइफ में कब होते हैं, मतलब इस शेड्यूल में? वो 9th क्लास से पहले पहले होता है बस, उसके बाद तो नहीं हो पाता, या फिर नीट का एग्जाम देने के बाद अगर क्लियर कर लिया तो होता है, नहीं कि नीट अगर करना है तो मैक्सिमम अगर जिस बच्चे को सिलेक्शन चाहिए कम से कम 14 से 16 घंटे पड़ेगा तो सिलेक्शन मिल रहा है। यहाँ कंपटीशन ही इतना है, अब तो हर कोई 700 प्लस ला रहा है, तो कहाँ इतना कंपटीशन ही इतना है ना, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा ना। कट ऑफ हाई और जा रहा है नीट का काफी, एग्जाम इजी होता जा रहा है, एनटी के द्वारा वाला लोगों तो 621 पे भी कॉलेज नहीं, मतलब 614 पे कॉलेज नहीं है, वो तो ओबीसी, अब तो 621 है, उस हिसाब से जितना पड़ेगा उस हिसाब से ही तो होगा। अब 16 घंटे अगर 15 घंटे नहीं पढ़ रहा है, फिर अपना भी बैकलॉग है, जो भी है कोचिंग का है वही रिवाइज करना, बहुत सारा काम रहता है इसमें। तो ऐसे हम हर बार देखते हैं जब भी रिजल्ट्स आते हैं कि कोटा से टॉप 10
टॉपर्स कोटा के इस इंस्टीट्यूट से या टॉप 50 टॉपर्स कोटा से ही निकले हुए हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो नहीं सेलेक्ट हो पाते, मतलब कुछ रेशियो या वो रेशियो 8-99% रेशियो आउट ऑफ ओवरऑल स्टूडेंट्स 99% जो नहीं हो पाते हैं, सिर्फ 1% ही सक्सेस रेट, 1% से तो काफी कम है। अगर जनरल वालों की अगर मैं संख्या पकड़ू तो 1% से काफी कम, जैसे हमारे सर बोले थे 0.8% जनरल वालों के लिए, नहीं आता जनरल वालों के लिए तो नहीं है यार, इससे भी कम। एसटी ये चल रहा है बस 1% 2%। तो आप लोग जैसे कह रहे हैं कि सिर्फ 1% सक्सेस रेट है, बाकी जो 99% वो एग्जाम नहीं क्लियर कर पाते उनके बारे में कोई बात नहीं करता, उनके बारे में मतलब आप लोगों के बीच क्या बात होती है, वो सेकंड अटेम्प्ट ट्राई करते हैं, वो अटेम्प्ट ट्राई करते हैं लेंगे, कुछ ड्रॉप ही लेते, मैक्सिमम तो लाइक नीट में 2 या 3 अटेम्प्ट तो कॉमन रहता है, दो या थ्री वो बहुत कॉमन है, मतलब 3 तक ऐसा कोई नहीं करता कि फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ चलो आप कोई और फील्ड ले लेते हैं किसी और उस पे चले जाते, करता है बट करते हैं बट बहुत कम करते हैं, मतलब ज्यादातर सेकंड तो देते ही देते हैं, और कोई फील्ड बचती फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर नहीं हुआ है तो वो 99% मतलब क्या वजह है कि मल्टीपल टाइम्स वो अटेम्प्ट दे देंगे अगले साल फिर तैयारी कर लेंगे फिर वो पेशेंस, क्या वजह लगती है मतलब नीट को लेकर इतना ज्यादा क्रेज क्यों लगता है? तो प्राइवेट्स में बहुत हाई 1 करोड़ के करीब करीब फीस लगती है तो वहाँ तो ऑप्शन ही नहीं है, और MBBS करनी ही होती है, मतलब वो फिर बन जाता है कि डॉक्टर ही बनना है, तो ऑप्शन एक ही बचता है सरकारी सीट के लिए, तो इसलिए फिर बच्चे लेते हैं नीट के ड्रॉप्स। अभी लाइक होती है ना लाइक BSc वगैरह की आप लोग भी देख रहे हो कि इतनी क्रेज है नहीं, मतलब बेरोजगारी बोलेंगे लाइक बहुत जॉब्स होते हैं अनएम्प्लॉयड ही रहता है ना, तो इसीलिए क्या है मेडिकल एक ऐसा फील्ड है जिसका आप अगर MBBS आपने कर लिया या कोई भी नीट की तरफ कर लिया तो आपका मतलब ये है कि चलो फ्यूचर में नौकरी के लिए या कोई ऐसे ऐसे इशू होगी नहीं, आप लोग उस चीज़ के लिए तो स्टेबल बन गए हो, इसीलिए मतलब कोई इस फील्ड को छोड़ना नहीं। हाँ सिक्योर डिग्री है। तो आप मतलब मैं समझना चाह रही हूँ आप लोग नीट की तैयारी करें, आप लोग क्या डॉक्टर बन के क्या करना चाहते हैं, मतलब इंटेंशन क्या है वो करने का कि एक सरकारी जॉब होगी सिक्योर जॉब होगी इस बेरोजगारी के समय में, या आप लोगों की वाकई बहुत अच्छा है कि नहीं हमें तो डॉक्टर ही बनना है लोगों की सेवा करना है या वो वाला भाव है क्या? बिल्कुल मैम, मेरी फैमिली भी जो है वो डॉक्टर फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, मेरे फादर भी डॉक्टर हैं, और उसके साथ साथ ही देखो एक सिक्योर लाइफ तो ही गई, और इसके साथ साथ जो हम अपनी पब्लिक के बारे में सोचते हैं, क्योंकि मैं जिला सहारनपुर से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पर बहुत गरीब रेशो है, बहुत गरीब बंदा है, तो मैं देखता हूँ जो वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह हैं जो भी हैं बहुत बुरे हाल हैं, मैं उसी के लिए ये फील्ड चूज की है। MBBS करने वाले जॉब की कोई टेंशन ही नहीं है ना, हमें गवर्नमेंट जॉब की क्या जरूरत है जब हम MBBS कर लेंगे, तो मतलब अगर खुद भी करना चाहो तो कुछ भी समाज सेवा कर, ऐसा भी बहुत है डॉक्टर में बनने का, अल्टीमेटली लाइफ का गोल तो हर किसी का पैसा ही रहता है उसमें, हाँ आ जाता है कि कोई सर्विस देना चाहता है कि होता है लाइक विलेजेस वगैरह में, कोई हमारे विलेजेस में होता है कि हॉस्पिटल है ही नहीं, बहुत सारे विलेजेस होते हैं तो उसमें किसी का बहुत मन होता है कि एक ऐसा विलेज बनाए जो फ्री ऑफ कॉस्ट बनाए, उसके लिए हमें खुद डॉक्टर बनना पड़ेगा, बहुत बड़ा डॉक्टर बनना पड़ेगा, तब जाके हम खुद के पैसे से बना सकते हैं और लोगों को फ्री सर्विस भी दे सकते हैं, तो वो एक सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा रहता है। लेकिन जब हम देखते हैं कि सिर्फ 1% ही है जो सक्सेस रेट है, बाकी 99% आप लोग जो बता रहे हो वो एग्जाम नहीं क्लियर कर, मैं उसको अनसक्सेसफुल होना नहीं कहूँगी क्योंकि आप हो सकता है लाइफ में किसी और चीज़ में आप बेटर, उस एग्जाम पर्टिकुलरली के लिए इतनी कम नंबर ऑफ सीट्स है, फिर भी लगातार बच्चे क्यों लगे रहते हैं इतने अटेम्प्ट तक, मतलब 1, 2, 3, 4 होती है ना कि हाँ निकल जाएगा, क्योंकि इस बार वो तैयारी कर रहा है एक ड्रॉप देगा 400-500 नंबर आ रहे हैं, फिर उसे नेक्स्ट टाइम में ये लगता है कि हाँ इस बार मैं क्लियर कर सकता हूँ, क्योंकि कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाता है, तो काफी बार अटेम्प्ट देने से आपको अंदर से एक फील आ जाने लगती है कि हाँ इस साल मैं और थोड़ा मेहनत करके अगर अटेम्प्ट दे दूं तो शायद निकल जाए, ऐसा एक मतलब जुनून अंदर से आ जाता है, इसीलिए नीट में काफी ज्यादा मतलब होता है। पर मैम ज्यादा मतलब अटेम्प्ट देने से कॉन्फिडेंस लो भी होता है कि हाँ। इस बार नहीं हुआ तो क्या, हाँ। फैमिली क्या प्रेशर रहता है, फैमिली प्रेशर भी प्लस, और वो अब पैसे तो यहाँ खर्च होते ही है, ठीक ठाक ही रहता है, 2-3 अटेम्प्ट तक ठीक ठाक ही रहता है, लेकिन उससे ज्यादा तो डिप्रेशन वाली फेज, डिप्रेशन रियल मतलब डिप्रेशन वो आ जाती है। आप लोगों के कोचिंग में कैसे बैच डिसाइड होते हैं, मतलब क्या सभी स्टूडेंट्स के लिए वो जो बैच लेना चाहे वो बैच होता है या कुछ डिवीजन होता है, मतलब क्या तरीका होता है? पहले ऐसा होता है कि एडमिशन के टाइम पे तो आपको जो बैच है अलॉट हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद 1 मंथ या 2 मंथ बाद जब आपकी टेस्ट स्टार्ट हो जाएगी तो टेस्ट में आपको ऐसा नहीं कि फर्स्ट टेस्ट बाद 2-3 टेस्ट होने के बाद आपके मार्क्स आ जाते हैं उनके पास, मतलब वो हो जाता है कि उसका एवरेज इतना ही निकल रहा है तो ये किस लायक का बच्चा है, तो उस हिसाब से अगर आपका मार्क्स बहुत अच्छा आ रहा है तो आपको मतलब टॉप बैच मिलेगा, या नॉर्मल एवरेज है तो चलो एवरेज बैच, टॉप बैच में तो 110 वही टॉप बैच में तो टॉप स्टूडेंट्स ही लेंगे, उसी में से ही रैंक निकलती है, उसी में से ही सिलेक्शन निकलेगा, और सिलेक्शन निकलेगा तो ऑब्वियसली कोचिंग का बस यही रहेगा हाँ इस कोचिंग से बच्चा निकला है,
बस यही चीज है, इसी वजह से टेस्ट होता है, सिलेक्शन लाइक एडमिशन भी लेते हैं ना, कोई भी ये पूछ टॉप बैच में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का सब फोकस रहता है, सबसे अच्छा टीचर, सबसे अच्छा फैकल्टी, सबसे ज्यादा अटेंशन वो टॉप बैच को ही मिलता है। जितना बैच डिग्रेडेशन होते जाता है उतना आपका मतलब क्वालिटी ऑफ यू नो आउटपुट वो थोड़ा कम होते जाता है, और लोअर बैच में आते आते वो काफी मतलब गिरी हुई होती है। और एक चीज होती है ना, लाइक कोई एडमिशन लेने आता है तो कोई भी ये नहीं देख के आता है कि इस कोचिंग से 300 बच्चे 1000 बच्चे आए कि नहीं, ये देखता है कि रैंक वन आया कि नहीं, रैंक जो रैंक देख के एडमिशन लेते ना बच्चे, इसीलिए मतलब ज्यादा रैंकर्स को ही वो किया जाता है। तो ऐसे आप लोगों को बुरा नहीं लगता, मतलब देखिए जैसे सब बच्चे हैं, आप सब 10 बच्चे हैं, 10 के 10 बच्चों ने बराबर फीस दिए, लेकिन जो एक पर्टिकुलर जिसको हम सो कॉल्ड इंटेलिजेंट बच्चे कहते हैं उनको टॉप बैच मिल रहा है, उनको ज़्यादा बेटर टीचर्स मिल रहे हैं, और क्योंकि आप एग्जाम्स में वैसा नहीं परफॉर्म कर पा रहे तो आपको लोअर बैच मिल रहा है और उतने अच्छे टीचर्स नहीं मिल रहे, ये आप लोग को ऐसे लगता है एक डिस्क्रिमिनेटरी प्रोसेस है? ऐसा तो लगता है, बिल्कुल लगता है, क्योंकि हर टेस्ट क्योंकि हर टेस्ट में आप सेम मार्क्स तो स्कोर नहीं कर सकते, काफ़ी आपके लिए सर्कमस्टेंसेस आते हैं, काफ़ी आपके लिए सर्कमस्टेंसेस आते हैं, उसको आप हैंडल करना पड़ता है। कभी अगर आपका कोई टेस्ट के पहले अगर आपका तबीयत थोड़ी ख़राब हो जाए तो टेस्ट में थोड़ा इफेक्ट आता है, तो उस टेस्ट में आपका नंबर थोड़ा कम हो जाता है, तो ऑन एन एवरेज 3-4 टेस्ट में वो थोड़ा इफेक्ट कर जाता है, तो उससे आपका बैच डिग्रेडेशन होने का चांसेस रहता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक स्टूडेंट का तीनों सब्जेक्ट में सेम स्टैंड कभी नहीं हो सकता, ये बहुत मुश्किल चीज़ है। तो अगर मान लीजिए मेरा एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्टैंड है, मान लीजिए केमिस्ट्री में, लेकिन वो वाले टेस्ट में कुछ ऐसा चैप्टर्स आ गया जो मेरे वीक है और मैं उसमें अच्छा नहीं कर पाया, तो वो वाला टेस्ट मेरा थोड़ा ख़राब हो गया, मेरे को थोड़ा ख़राब स्टूडेंट की तरह ट्रीट किया गया और मेरा बैच डिग्रेड हो गया जो मैं डिज़र्व नहीं करता, जो एक्चुअली गलत प्रोसेस है इंटेलिजेंस मेजर करने के लिए, मुझे ये लगता है, लेकिन और भी क्या तरीका है मुझे भी नहीं पता, यही होता आ रहा है। आप लोग क्या सोचते हैं इस पे, मतलब आपको नहीं ऐसा लगता कि यार हमने भी तो इक्वली फीस दी है, हमें क्यों आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसा लगता ही है, बिल्कुल, तो ऐसा तो कुछ टाइम के बाद लगता है, कुछ टाइम के बाद डिस्क्रिमिनेंस मतलब अच्छा स्टूडेंट बुरा स्टूडेंट ये काफी दिखने लगता है। स्टार्टिंग में सब सही रहता है, स्टार्टिंग में सब सही, 2-3 मंथ्स 4 मंथ्स जाने के बाद स्टार्टिंग में सब सही रहता है, जब टेस्ट जितना बढ़ता है अच्छे बच्चे खराब बच्चे तो अब छोड़िए, दोस्तों के बीच में भी काफी मतलब ये एक अंदर से डिस्क्रिमिनेशन, एक कॉम्पिटिशन, एक पीयर प्रेशर, मतलब प्रेशर जो होता है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। तो ये लगभग हर कोचिंग इंस्टीट्यूट का हाल है कि वो टॉप स्टूडेंट्स को अलग ही बैच बना दिया जाता है, बिल्कुल, मतलब एक अलग ही संसार, एक अलग ही टॉप क्लास, मतलब एकदम मर्सिडीज BMW जैसे वैसा कुछ बना दिया जाता है, बाकी सब हम एकदम कुछ और ही हम चल रहे, ऐसा कुछ होता अच्छा, है। हम सब ने कोटा के बारे में ना एक इमेज या हमारे दिमाग में एक वो उससे भी बना जो हमने कोटा फैक्ट्री सीरीज देखी, तो एंड में जो बच्चा AIR 1 लाएगा या ऐसा कुछ लाएगा, तो क्या वाकई उसको कोचिंग हर कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे कार्स देता है या कुछ ना कुछ ऐसे गिफ्ट का सिस्टम है, मतलब वो डिजर्विंग है उस चीज के लिए, तो डिजर्विंग होता है, लेकिन टॉपर जो होता है कोचिंग इंस्टीट्यूट का वो टॉपर मतलब बनने से पहले ही वो लाखपति बन चुका होता है, क्योंकि मेरे को क्या करेंगे, मेरे पर्टिकुलरली इंडिविजुअली मेरे ऊपर बाकी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक अलग अटेंशन आना कि वो वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट का वो बंदा बहुत तेज है, उनको हम कोई ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज वाले कुछ कोर्स में हम इंक्लूड कर देंगे, वैसा कुछ हम नेम इंक्लूड कर देंगे और उसके बदले में वो हमको थोड़ा पैसा दे देंगे। कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले वो जो टॉपर बच्चा है उसको पैसा दे देंगे क्योंकि वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है और उनके नाम से उनके नाम कोचिंग में कोई भी कोचिंग से ये बच्चा है टॉपर, कोई भी कोर्स में कोचिंग के कोई भी कोर्स में उसका नाम एंटर करके फिर जब वो टॉपर बन जाएगा एडमिशन भी कोटा में, इसी वजह से ही होता है कि उस बच्चे ने उस कोचिंग से निकाला था तो मैं भी आज उसी कोचिंग में लूंगा एडमिशन, यही रैंक्स भी खरीदे जाते हैं। जो रैंक वन आया जैसे शोएब आफ्ताब रैंक वन आया था 2019 में नीट का, वो हर एक कोचिंग वाले उसका बैनर लगाते हैं, उससे मतलब बोलते हैं कि हम तुम्हारा बैनर मतलब लगा सकते हैं AIR 1 वाला, उसकी परमिशन लेते हैं, पैसे देते हैं, और ये अमाउंट कोई छोटी अमाउंट नहीं है, काफी बड़ी अमाउंट, काफी
लाखों में जाते हैं। ये तो नीट एग्जाम के पहले से उन लोगों को पता चल जाता चल गया था शायद कि ये वाला बंदा काफी अच्छा करेगा, इसको हम थोड़ा कैच कर सकते हैं, कोच कर लेते हैं। जैसे इसीलिए हम देखते हैं कि एक टॉपर का चार चार या पांच पांच अलग अलग कोचिंग वाले उसका फोटो लगा कर नहीं होते जो एक्चुअली नहीं होते वो एक ही कोचिंग इंस्टीट्यूट में रहता है और बाकी कुछ कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट उनके उसके नाम कुछ पैसे के बदले में लेके कोई भी एक छोटा मोटा कोर्स में इंक्लूड कर देता है, फिर उसके बाद एडवर्टाइजमेंट करते हैं टेस्ट रिजल्ट आने के बाद। मतलब जैसे अच्छे अच्छे टीचर्स पोच हो जाते हैं वैसे अंडरग्राउंड हुए के वर्ल्ड में अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स भी पोच हो जाते हैं। अच्छा ये बताइए, हमने ये भी सुना है कि जो कई अच्छी कोचिंग्स हैं, यूनिवर्सिटी बार बार निकल रहा है क्योंकि हम कॉलेज से ही पढ़े, जो कई अच्छी कोचिंग्स हैं उनका अपना ऐसे रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स भी है जिसमें वो जो जिन बच्चों पे कोचिंग वाले इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको अलग फैसिलिटीज है। ये सच्चाई है, ऐसा होता है? डायमंड होटल करके कुछ है उसमें सारी फैसिलिटी देता है, सारे एक्सपेंसेस वो खुद उठाता है एलन अपनी कोचिंग के बच्चों का जिनका अच्छा रैंक आता है। तो वो कौन से ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ये सारे जिनके रैंक टॉप 100 आते हैं उनके हैं जो उस एलन के टॉप उस बैच के टॉप 100 स्टूडेंट्स जो परफेक्ट प्लेयर्स है जो उनके लिए रैंक ले आएगा जो उनके लिए एडवर्टाइजमेंट का कारण बनेगा उस पे वो लोग काफी इन्वेस्ट करते हैं। तो ये तो एक तरह का बिजनेस मॉडल ही है ना? ही तो है बिल्कुल, ये बिजनेस यही चल रहा है। ये बताइए फिर जब हम ऐसे आए दिन खबरें सुनते हैं कि एक्सट्रीम स्टेप उठाया कुछ स्टूडेंट्स ने, उन्होंने ऐसा कुछ अटेम्प्ट किया, तो आपको नहीं लगता कि ये जो ओवर ग्लोरिफिकेशन है एक सर्टन अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स का वो डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है? बिल्कुल, ये ओवर ग्लोरिफिकेशन स्टूडेंट को कभी कभी ये सोचने में मजबूर करते हैं कि मेरे से कुछ नहीं होगा। जो ड्रॉपर होते हैं उन्हें तो खास तौर से चार पांच ड्रॉपर का चुका है। मेरे को तो अभी नहीं लगता लेकिन शायद लग सकता है, मुझे नहीं पता। मुझे कभी कभी ऐसा भी लग सकता है कि अरे यार ये बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा क्या होगा, मेरा तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तुमसे नहीं होगा अगले साल भी वही होता है, अगले साल भी तो तीन साल हो जाते हैं वही प्रेशर, आप किसी को करते हुए देखा वही वही डिप्रेशन वही ये सब होता है कि हाँ मुझसे नहीं होगा। कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्या ऐसे काउंसलर्स होते हैं साइकोलॉजिकल काउंसलर्स जो वन ऑन वन हर बच्चे से बात करें, वन ऑन वन हर बच्चे? मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट से हूँ, वहाँ पे काउंसलर है, एक काउंसलर आते हैं हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं उसमें कह दिया जाता है कि ये कैंपस में इसी टाइमिंग पे ये काउंसलर बैठेंगे इस रूम पे, आप लोग आके इनसे कंसल्ट कर सकते हो। शायद वो वन टू वन कंसल्टेशन ही होता है, मैं कभी गया नहीं, हाँ करते हैं वो मतलब हाँ, सब्सक्रिप्शन हाँ, हाँ, और आज ही ये जो इंसिडेंट घट रहा दर्दनाक इंसिडेंट घटने के बाद आज ही हमारे क्लास में एक ओएमआर शीट दिया गया था और एक सब नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिया गया था साइकोलॉजिकल टेस्ट के ऊपर कि उस वाले क्वेश्चंस के आंसर आपको एबीसी भरना होगा। जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं आर यू हैप्पी और नॉट, वहाँ पे अगर आपका चार क्वेश्चन रहता है यस आई एम हैप्पी, नो नॉट एट ऑल, यस एज यूजुअल, नो आई कैन नॉट, ये तो बस वैसा है ना, बस सरकारी तरह का फॉर्म है, कौन सच लिखेगा उसमें? कोई सच नहीं लिख रहे, मेरे चार दोस्ती खुद मतलब अड़ोस पड़ोस के देख देख के लिखे है, तुक्का मार के लिखे है, चीटिंग के, मतलब कुछ भी करके ऐसे वैसे भर दिए है ना, मैं परेशान हूँ क्योंकि उसकी रोज की प्रॉब्लम है ये और वो मेरे प्रॉब्लम है और मैं ये सबके सबने बोलने में तो एम्बेरस भी फील करूंगा। ये तो एकदम प्योर साइकोलॉजी है, मैं मेरा थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है ये मेरे लिए थोड़ा एम्बेरसमेंट है, ये तो बिल्कुल है, ये मैं सबके सामने बोलने में तो थोड़ा मतलब मैं घबराऊंगा। मतलब एक बंदा लिख रहा है, मतलब जब ओएमआर भर रहा है उसके बगल वाला बंदा उसका ओएमआर देख रहा है, बहुत सही बात है, ये तो देखे गई। जब मैं भर उसके दिमाग में ये चल रहा था अगर मैं भर दूँ आई एम नॉट हैप्पी तो मेरे बगल वाला जो दोस्त है वो मेरे से पूछेगा, मेरे को पोक करने की कोशिश करेगा कि क्या भाई तेरे को क्या प्रॉब्लम है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो वो थोड़ा एम्बेरस फील हो जाएगा। तो वो जानबूझ के भी अगर वो उसका कोई प्रॉब्लम होता भी है वो सही वो लिखता नहीं है, वो ओएमआर में कुछ और चाहता है ना, पब्लिक के लिए कोई अपना प्रॉब्लम बताना नहीं चाहता, सीधी बात वही है भाई, वही एम्बेरसमेंट होता है ना, लगेगा यार कोई अगर मेरे बारे में कोई देखा वो बोलेगा तुझे क्या प्रॉब्लम है, तो तुझे तो चिल ही देखते हैं हम, ह्यूमन नेचर है ना कि सामने चलो, फिर अकेले रहने में पता चलता है ना कि प्रॉब्लम्स क्या है, हर वक्त तो तुझे सही लगता है भाई, तो हमेशा हंसता खेलता रहता है, तुझे क्या प्रॉब्लम है, लाइक होती है ना एक चिढ़ाना, हम लाइक वही पोगिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है। मैं एक दोस्त को जानता हूँ जो क्लास जो वो बोर्ड्स की तैयारी करके आया है
और उसको कुछ कुछ चीज़ें, काफ़ी कुछ बेसिक चीज़ें एक बार बोलने से समझ में नहीं आता, खूब बहुत लॉजिकल एक चीज़ है, बहुत कॉमन एक चीज़ है, नॉर्मल नॉर्मल एक चीज़, लेकिन वो टीचर से पूछने में काफ़ी डरता है। मैं उसको काफ़ी बार बोल चुका हूँ जो तू टीचर से पूछ, कोई कुछ भी सोचे तू टीचर से पूछ, लेकिन उसके मन में वो चीज़ एक खेलता रहता है कि अगर मैं ये पूछूँ तो बाकी लोग क्या सोचेंगे, मैं अगर मैं इतना बेसिक पूछ दूँ तो सर भी क्या सोचेंगे, इससे नहीं होगा। तो वो मेरे से पूछता है, मैं उसको थोड़ा थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, वो मेरे को धन्यवाद दे के चला जाता है। नहीं तो क्या ऐसा नहीं होता कि टीचर हर एक स्टूडेंट पर पर्टिकुलरली ध्यान दे, या हर एक प्रॉब्लम है ना, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं लाखों में। एक बैच में कितने स्टूडेंट हैं? लाइक 400 एक क्लास में। हमारे बैच में लाइक ऑलमोस्ट 300 to 400, 300-400 बच्चे एक साथ। हमारे बैच में 150-200, मेरे बैच में तीन बैच मिला के 300, मतलब पर बैच 100 बच्चे, लेकिन 300 हाँ, तीन सौ मतलब 300 में ज्यादा रहता है, मतलब वो 300 बैचेस मिला के ज्यादा टीचर्स 210 बच्चे हैं। हाँ? एक बैच में 210 बच्चे हैं एलएन में, हमारे हमारे बैच में एक क्लास में, एक क्लास में 210 बच्चे और पूरे पूरे बैच में मिला के 700 बच्चे। तो ऐसे कैसे एक टीचर को क्या क्लास के 200 बच्चों का नाम याद रहता होगा? नहीं याद रहता, नाम जो सामने बैठता उसका नाम नहीं याद रहता। 200 बच्चों का नाम जाने दीजिए आप, जो बच्चा फ्रंट बेंच में बैठता है, जैसे हम सेकंड बेंच में बैठते हैं, टीचर हमारा नाम नहीं याद रहता जो कि डेली डाउट पूछते हैं। तो फिर वो कैसे एस्टैब्लिश होता है, वो टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप होता ही नहीं कोचिंग्स में, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप हो ही नहीं सकता। याद रहेगा जो अच्छा स्कूल में रहेगा, नाम उसका याद रहता है। जैसे कि तीन टेस्ट होता है पहले, तो हर 21 दिन पे टेस्ट होते हैं एलएन में, तो उसके बाद जो बच्चे निकलते हैं जिनका 700 प्लस स्कोर आ रहा है, तो उनका एक अलग बैच शिफ्ट किया जाता है एसआरजी बैच एलएन में। एसआरजी का फुल फॉर्म क्या? फुल फॉर्म तो हमको भी नहीं पता है, समथिंग कुछ है, तो उसमें शिफ्ट किया जाता है उनको। जो उसमें शिफ्ट होते हैं बच्चे, जैसे उसमें 50 बच्चे 100 बच्चे के हिसाब से शिफ्ट होते हैं पूरे बैच को मिला के एक बिल्डिंग में, तो उनका स्पेशल टीचर दिए जाते हैं उनके लिए, उनके लिए स्पेशल फैकल्टी रखी जाती है, स्पेशल लाइब्रेरी दी जाती है, उनका नाम सबको याद रहता है। और बाकी जो नॉर्मल बैच में एवरेज बच्चे, वैसे हमारा 575 स्कोर आ रहा है, 600 स्कोर आ रहा है, हर टेस्ट में नॉर्मल आ रहा है, लेकिन हमारा बैच नहीं याद, हमारा नाम किसी को नहीं याद रहेगा। आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, आप बस जो पढ़ रहे हैं ठीक है आप पढ़ते रहिए, आप क्या कर रहे हैं उससे नहीं मतलब है। आप पढ़े, आप घर गए, आप रिवाइज किए, आप आगे डाउट मुझे सारी फैकल्टी मिलेगी आपको, लेकिन टीचर को अगर हुआ कि आपसे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है आपसे बात करने के लिए, इस प्रकार की कोई भी फैसिलिटी नहीं है। कोटा की ये रियलिटी या कोटा का ये साइड ऑफ स्टोरी अपने पेरेंट्स को या घर वालों को ऐसा बताते हो कि ये भी एक रियलिटी है? कौन समझेगा? अच्छा बताइए, आपके पेरेंट्स आपको कोटा भेज दिए पढ़ने के लिए, अगर आप उनको एक्सक्यूज देंगे तो कहेंगे बच्चे पढ़ने में नहीं लग रहा इस वजह से एक्सक्यूज दे रहे हैं। आप एक बार एक्सक्यूज देंगे, दो बार एक्सक्यूज देंगे, बार बार एक्सक्यूज भी नहीं दे सकते ना अपने पेरेंट्स को कि पापा ये प्रॉब्लम हो गई, पापा हमको ये प्रॉब्लम हो गई। वो कह रहे हैं बेटा पैसा भेज रहे हैं, आप अपनी स्वयं से रिस्पांसिबिलिटी उठाइए, आप पढ़ाई कीजिए। कितनी बार आप अपने पेरेंट्स एक्सप्लेन करेंगे? पेरेंट्स लगता है कि वो अपनी तरफ से 100% कर रहे हैं, वो फाइनेंशियली करने की कोशिश 100% कर रहे हैं, लेकिन ये स्टूडेंट का ब्रेन जो है ना सब नहीं समझ पाते, हमारे ब्रेन पे कितना लोड है, कितना प्रेशर पड़ रहा है माइंड पे। एक बैकलॉग हो जाता है, हम उसको क्लियर करने के लिए ना हमको 4-5 दिन लगते हैं एक बैकलॉग पे। बैकलॉग मतलब क्या कि कोई बैकलॉग, जैसे एक दिन हम एक दिन क्लास मिस हो गई, भाई तबीयत खराब हो गई, जैसे इसमें कोटा में डेंगू बहुत फैला है, तो डेंगू हो गया, हम 6 दिन क्लास नहीं जा पाए थे, उस 6 दिन का बैकलॉग क्लियर करने में हमको 21 दिन लगे हैं पूरे। 21 दिन में बैकलॉग क्लियर होते होते जो आगे पढ़ा रहे हैं उसको क्लियर करते करते वो भी छूटेगा मैम। इतना माइंडली प्रेशर पड़ता है ना कि सब नहीं समझ सकते, लेकिन अगर पेरेंट्स को आप एक बात बोलेंगे तो उनको लगेगा बस बच्चा एक्सक्यूज दे रहा है, उनसे इससे नहीं मतलब है कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। उनको तो बस ये रैंक चाहिए, बेटा रैंक नहीं आ रही, बेटा रैंक नहीं आ रही है, फैमिली प्रेशर है, प्लस अलग से कोचिंग वाले प्रेशर देते हैं, क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे हो कैसे पढ़ रहे हो, ये सब बहुत तरह के प्रेशर होते हैं स्टूडेंट पर, लेकिन सब नहीं समझ सकते हैं इस बात को। हम आए दिन ऐसे खबरों में सुनते हैं हर कुछ दिनों में कि किसी बच्चे ने एक्सट्रीम स्टेप लिया, क्या वजहें लगती है? क्योंकि मैं जब आप सबके सुन रही हूँ, आप सब लोग वो प्रेशर से जूझ रहे हैं, मतलब उन बच्चों में क्या डिफरेंस होता है या वो क्या पॉइंट होता है, या वो बहुत टाइम से कुछ फील कर रहे होते हैं लेकिन वो जता नहीं पाते? काफी टाइम से उन्होंने जो बोला, काफी टाइम से एक बच्चा अगर ये वाले घिसाई में से अगर कोई जाए तो ऐसे एक्सट्रीम स्टेप
वो उठाए गए। सुसाइड करने का मैम कारण होता है, जैसे आप दो साल तैयारी की कोटा में, उसके बाद आपका नहीं हुआ, आप थर्ड रॉब लेके कोटा आ गई, उसके बाद भी आप कंसिस्टेंटली स्कोर कर रही हैं 600 साढ़े 600, उसके बाद भी आपका नहीं हो रहा है ना, तो इतना प्रेशर रहता है माइंड पे कि बच्चा कुछ ना कुछ कदम उठा ही लेगा। फैमिली कहेगी, आपके पड़ोसी फैमिली मान लो एक बार समझ जाएगी, आप पड़ोसी इतने ताने मारेंगे आपको, अरे फलाने के बेटा 4 साल रहे नहीं हुआ उनका, तो उनका प्रेशर, उनकी बातें सुनने के लिए सबके अंदर वो गट्स नहीं होती हैं। अब मेरा सेकेंड ड्रॉप है यहाँ पे, मेरे सेकेंड अटेम्प्ट में मेरे 580 नंबर थे नीट में, लेकिन नहीं मिला मुझे कोई कॉलेज। यूपी में कोई कॉलेज नहीं है जर्नल के लिए 580 नंबर पे, 600 नंबर पे, आपकी 621 नंबर कट ऑफ गई थी जर्नल के लिए, मतलब 40 नंबर 50 नंबर डिफरेंस कवर करने में मैम आप 300 से 400 नंबर का डिफरेंस कवर कर लेंगे, लेकिन अगर आप 580 से 680 का आपको डिफरेंस कवर करना है ना मैम, तो आपको 2 साल का मेहनत लग जाती है। लेकिन सब वो नहीं समझेंगे कि अरे आप 400-500 पार हैं, उसके बाद भी आपका नहीं हो रहा है, आप कैसी मेहनत कर रहे हैं, उनको क्या बताएं। हम लोग 13-13, 14-14 घंटे अगर आप पढ़ रहे हैं रूम पर, इतना प्रेशर है दिमाग पे, अगले के लिए कंपटीशन कर रहे हैं हम कि हमको उससे आगे निकलना है। जब ये रियलिटी है, आपको क्या लगता है कि ये जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्या कोचिंग वाले ये बात बार बार क्लियर नहीं करते कि भाई लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स है, लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का ही होगा, मत ज्यादा कोचिंग वाले कभी क्यों लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट के लिए कोचिंग खोलेंगे, फिर उनका तो रेवेन्यू ही गिर जाएगा। जैसे पहले बंसल सर थे हमारे, वो क्लास करते थे, तो मतलब जिन बच्चों का टेस्ट लेते थे जब आप पढ़ने आते थे कोटा बंसल क्लासेस में, तो उनका टेस्ट होता था पढ़ने के पहले, जिनका टेस्ट में नंबर अच्छा आएगा। कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू की थी जहाँ से कोटा बना था, उन्होंने जब ये सिस्टम शुरू किया था तो वो टेस्ट लेते थे बच्चों का, जिनका 80+% आ रहा है उनको वो पढ़ाते थे, और वो बच्चे जो 80+ लेके आ रहे हैं वो पढ़ते थे, तो उनके माइंड पे उतना प्रेशर नहीं रहता था कि हमको पता है लिमिटेड बच्चे हैं, लिमिटेड बच्चों में कॉम्पिटिशन करना है और सिलेक्शन हमारा फिक्स है। अब का इंस्टीट्यूट के सिस्टम क्या है, आप आइए, आपके पास पैसा है, आप भर के लाए हैं, बिहार बोर्ड से बच्चे पढ़ के आते हैं, फर्जी डिग्री लेके चले आएंगे, हाई स्कूल इंटर कर लेंगे, कहना नहीं चाहिए लेकिन ये रियलिटी है बिहार की, बिहार की ये सबसे बड़ी रियलिटी है। आप वहाँ पढ़ के आएंगे, आप यहाँ आपके पास 1.5 लाख रुपये है, आइए एलएन आपका स्वागत कर रहा है, 1,36,000 दिया आपका एडमिशन हो गया, आप उन बच्चों की भीड़ में बैठे हैं जहाँ आपको A+B का होल स्क्वायर नहीं पता है और आप नीट और JEE की तैयारी कर रहे हैं, आपको आपको अपना नाम इंग्लिश में लिखने नहीं आ रहा है। मेरे साथ ऐसे अच्छे बच्चे पढ़ते हैं जिनको अपना नाम अभी आप इंग्लिश बोल दिए, अपने फादर का नाम बोल दीजिए इंग्लिश टू इंग्लिश लिखने में, इसके लिए रिस्पांसिबल वो कोचिंग वाले नहीं है जो बिना टेस्ट लिए, या इसके लिए रिस्पांसिबल वो मतलब दो लोग रिस्पांसिबल हैं इसके लिए, एक मान लीजिए कोचिंग तो रिस्पांसिबल है ही है, लेकिन सबसे बड़ी रिस्पांसिबिलिटी गवर्नमेंट की है। जो गवर्नमेंट अगर आपको भेज रहे हैं, आपके ऊपर बिलीव करके आपको सत्ता पे लाए हैं, आप हमारे लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, तो आपको यहाँ बैठाने का हमको क्या मतलब, आप बेसिक भी क्लियर नहीं कर पा रहे हो स्कूल लेवल पर। जो पढ़ा रहा है वो तो मान लीजिए कोचिंग इंस्टीट्यूट में वो अपना पैकेज ले रहा है, अपना 100% एफर्ट देकर पढ़ा रहा है, लेकिन आप जहाँ बेस क्लियर करना चाहिए आपको 10th 12th में जहाँ बोर्ड देके आए हैं, वहाँ आपका बेस नहीं क्लियर हो पा रहा है, तो आप क्या उम्मीद लेके एलएन में और मोशन में पढ़ने आ रहे हैं कि हमारा बेस वहाँ क्लियर हो जाएगा? वही टीचर वहाँ भी तो है, वही टीचर आपके स्कूल में भी तो है, तो ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि किस प्रकार से बच्चे पढ़ रहे हैं। मेरा एक दोस्त है, वो लिटरली बोल रहा है कि मैं कोरोना की वजह से 11th क्लास में मैं किताब खरीदा ही नहीं, किताब खुला ही नहीं, मैं 12th एक 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 स्कूल के एक मैम थे 12th बोर्ड से पहले इतना एक गाइड दे दिया या नोट्स कुछ वगैरह दे दिया, वो रट्टा मार के हम बोर्ड्स में 95% स्कोर करके यहाँ आ गए टपक पड़े। तब वो लोग कैसे JEE नीट की तैयारी करेंगे, इतनी टफ टफ क्वेश्चंस है, ये तो करना काफी इम्पॉसिबल है। और जो आप देख रहे हो, जो प्रशासन आजकल स्टेप्स ले रहा है, हम जब देखते हैं जो कलेक्टर है उनका जो ऑर्डर आया, या तो वो ऐसे नेट्स लगा दो या स्प्रिंग वाले पंखे लगा दो, इन स्टेप्स पर आप लोग क्या सोचते हैं? अगर बच्चे को सुसाइड करना है आपके सामने एक हॉस्टल है, ये कैसा सॉल्यूशन है? सुसाइड किया है सामने वाले बिल्डिंग में 5th फ्लोर पे एक दोस्त रहता था हमारा विशाल, उसके जस्ट बगल एक लड़का रहता था, सृजित 3 में पढ़ता था, सृजित 3 की बिल्डिंग में पढ़ता था, वो पूरे फैसिलिटी एक स्प्रिंग वाले फैन लगे हैं, उसको सुसाइड करना था। उसने एक वेब सीरीज देखी थी, उसने हाथ को पीछे बांधा, मुंह में पॉलीथीन ली और बेहोशी की गोलियां खाई, वो लेट गया। ज्यादा दिन की बात भी नहीं है, ना वो हैंग हुआ, ना वो जंप लिया, आप सारी व्यवस्था किया, वो मुंह में पॉलीथीन लगा लिया, आप क्या कर रहे हैं? तो कोचिंग में ही कर लिया लड़का, उसको तो करना, तो कोचिंग से कूद गया, किसी का वो तो कोचिंग से ही कूद गया। और ये जब अभी अपने कोटा के DM ने निर्णय लिया 2 महीने टेस्ट नहीं होंगे, इससे बर्डन पड़ेगा, इससे हम लोग ऊपर बर्डन पड़ेगा, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे, पेरेंट्स नहीं समझेंगे, वो और प्रेशर डालेंगे, बेटा क्या पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो वहाँ पे, 2 महीने बाद का क्या होगा, 2 महीने के बाद सब ठीक हो जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा, बर्डन पड़ जाएगा हमारे ऊपर। अभी
सबने जो टेस्ट दिए थे कोरोना के बाद फिर वही सबका दिखा था, सब वही रिजल्ट निकला था, फेल फेल फेल, वही होगा 2 महीने बाद। अब ये टेस्ट नहीं होंगे तो वही होगा दिमाग। अभी का सिलेबस है 21 चैप्टर 22 चैप्टर हर बच्चों के लिए कंपलसरी है, उतना तैयार कीजिए आप, टेस्ट में नंबर लाइए, फिर 22 चैप्टर तैयार कीजिए। अब आप 2 महीने बाद टेस्ट लेंगे, अभी 22 है, काफी ज्यादा आपको 50 चैप्टर हो जाएगा, 30 चैप्टर बढ़ जाएगा, और जब 30 चैप्टर का आप टेस्ट लेंगे तो क्या उम्मीद है बच्चा आपके लिए अच्छा ही कर देगा। आप लोग को क्या सलूशन लगता है, मतलब ये जो कोटा में आंकड़े हम आए दिन देखते हैं बढ़ते जा रहे हैं, हम देखते हैं कि आए दिन ऐसे आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं जिसमें स्टूडेंट ये चीज का, ये पूरे सिस्टम का एक ही सलूशन है, जितने रेट से स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं उससे रेट से सीट भरा है, इंजीनियरिंग का हो, मेडिकल का हो, बेसिक साइंसेस का हो, कुछ का भी हो, जितना एप्लीकेंट बढ़ रहा है उसके हिसाब से एक सटीक रेशियो में सीट वो भी बढ़ गया। उसके बावजूद आप ये देखिए जो सक्सेस वाला या जो मेरिट वाला या जो क्लियर करने वाला रेट है वो रेट, हाँ, सीट बढ़ना ना बढ़ना कोई सोल्यूशन नहीं है। क्यों नहीं है भाई, 10,000 सीट है, 25,000 कर दी गई, 30,000 कर दी गई, 25,000 बढ़ रहे हैं, 50,000 की बात कर रहा हूँ। कोविड के बाद से सबसे ज्यादा बच्चे अब की साल कोटा में आए हैं, और वही हिसाब से रेशो के हिसाब से अगर 5% हो तो डेट रेट भी कम होगा, बच्चे का प्रेशर भी कम है, इस बार नहीं ना अगली बार निकलेगा। 5% भी कर दीजिए तब भी काफी, मतलब सिस्टम में बदलाव दिखेगा। मेरा सवाल ये है, आप सब बात कर रहे हो जो बच्चे क्लियर कर लेंगे सीट्स भी बढ़ जाएंगी, ज्यादा बच्चे क्लियर करेंगे, जो बच्चे नहीं क्लियर कर पा रहे हैं उनके ऑल्टरनेट सोल्यूशन के लिए, उनके साइमल्टेनियस करियर के लिए कि नीट के अलावा भी रास्ते और हैं, बहुत कुछ है, इस पर बात कब होगी? इस पर ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं या जो सरकार है या प्रशासन है या बच्चे हैं, कोचिंग वाला नहीं बताएगा क्योंकि उसे तो पूरा पैसा चाहिए, पूरा साल का पैसा लेगा। ये कोटा की रियलिटी कब लोगों तक जाएगी, कब कब वो जो पेरेंट्स है जो पैसे देके बच्चों को एडमिशन दिलाते वो कब समझेंगे कि अब एपिटमी है, अब कोटा की रियलिटी बच्चे समझेंगे, लेकिन ये जो बता रही हैं आपके नीट के अलावा भी ऑप्शन है, इसको पेरेंट्स को समझना पड़ेगा। पेरेंट्स बताए कि बेटा अगर आपका नहीं हुआ नीट में तो हम आपके लिए पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, आप बीएससी नर्सिंग कर लीजिए, आप बी फार्मा कर लीजिए, बैचलर ऑफ फार्मेसी, डी फार्मा कर लीजिए, डिप्लोमा ले लीजिए, एम फार्मा कर लीजिए, अगर आपको देश की सेवा ही करनी है मेडिकल लाइन में। फादर यही सोचेगा कि मेरे बच्चे एमबीबीएस बने, कोई नहीं सोचेगा डी फार्मा करेगा, कोई डी फार्मा कर रहा है, कोई एमबीबीएस कर रहा है, तो बहुत फ्यूचर में उसमें क्या चल रहा है। बच्चों की मेंटेलिटी अगर ये है, पहली बार कंपटीशन इतना है, हर किसी को ये चाहिए होता है, पेरेंट्स ही होते हैं, फार्मा करेगा एमबीबीएस करेगा, बस वही तो प्रॉब्लम है, पेरेंट्स को समझना पड़ेगा ना, ये ऐसे पैसों पे बिक रही है, आप पढ़े आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप किसको ब्लेम करोगे, कोचिंग को ब्लेम करोगे, पेरेंट्स को ब्लेम करोगे? देखो देखो, सबसे पहले तो अपना भी ब्लेम होना चाहिए, सबसे बड़ा चीज है, अपने आप को ब्लेम करना। फैमिली वाले जो यहाँ पे भेजते हैं तो ऐसा नहीं कि वो इसी फील्ड में भेजते हैं ताकि करो, यहाँ पे सिर्फ पेरेंट का असर नहीं होता, यहाँ पे फ्रेंड्स का सर्कल भी होता है, जैसे कोई भी कम लाता है नंबर तो ऐसा नहीं कि दोस्त ऐसे किसी हायर लाता है दोस्त तो बोलता है कि तुम्हारा इतना कम आया, बस इसीलिए ये सब हो जा रहा है, और ऐसा कोई कारण नहीं है। मोटिवेट करते हैं, ऐसा नहीं है कि आप ही बढ़ जाएगा, ऐसा भी कर देते हैं। एक मिनट, तो आपको क्या लगता है जो एक्सट्रीम स्टेप्स कुछ बच्चे ले लेते हैं, वजह क्या लगती है, आपको क्या वजह लगती है, एक मिनट सुन लेने दीजिए। एक्चुअली वजह है कि सबसे पहले कि देखिए, जैसे भैया जी बोले कि बेस हर किसी का 10 बोर्ड ये आके यहाँ पे ऐसे ही होता है, बेस वगैरह ठीक है वो सब समझ में आ गया, आप ये बताइए वो एक्सट्रीम स्टेप्स लेने के पीछे क्या वजह होती है, वो खुद को क्यों फेल्ड ऐसा फील करते हैं कि अब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, मैं नीट की तैयारी नहीं कर पा रहा हूँ या मैं नीट नहीं क्लियर कर पा रहा हूँ तो अब मेरे पास कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं, वो ऐसा क्यों सोचने लगा, ऐसा प्रेशर ही बना लेते हैं मैम, सबसे बड़ा चीज है खुद बना लेते, वो खुद बना लेते हैं, हाँ, तो सबसे बड़ा वही खुद रिस्पॉन्सिबल, पहले तो तैयारी नहीं कर रहे हैं, ऊपर से आप ऐसा सोच रहे हैं कि मेरा नहीं होगा, कल दिन टाल रहे लगातार टालेंगे तो खुद होगा ही ना, तो क्या करना चाहिए? नहीं, एक मिनट, आप एक सेकंड बात सुन लीजिए, आप सबके बात सुनी ना, तो आपको क्या लगता है उस बच्चे को क्या करना चाहिए? उस बच्चे को देखिए, स्टार्ट तो कीजिए पहले, सबसे बड़ा चीज किया जो जैसे हमने जो दो केसेस सुने वो दो तीन तीन साल से तैयारी कर रहे थे, नहीं क्लियर हो पा रहा था, प्रेशर ले रहे थे, नहीं पढ़ पा रहे, नहीं समझ में आ रहा, क्या करना चाहिए था ऐसे में, वो ट्राई तो कर रहे थे जैसा आपको कहना है, क्या गलती थी उनकी? सबसे पहले तो उसको तो आगे दूसरा फील्ड देख लेना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसको दूसरा फील्ड नहीं देखना चाहिए, तो वो उसी की तो बात कर रहे थे कि अल्टरनेट, एक सेकंड वो उसी की बात कर रहे थे कि अल्टरनेट फील्ड देख लीजिए, तो आप क्या उससे अग्री नहीं करते?
अग्री करते हो नहीं करते हो, ऑल्टरनेट फील्ड देखना चाहिए? हाँ देखना चाहिए। तो अभी तो आप कह रहे थे नहीं नहीं देखना चाहिए, कोई अगर MBBS करने आया है तो उसको नीट ही क्लियर करना। अब क्या रास्ता क्या है हमारे पास, क्या कोई बता दे MBBS के अलावा क्या बीमार पड़ता है, जाता है पैरासिटामोल खाता है, कौन जाता है? लेने जाएंगे अब लोग बोलते हैं एक्सट्रीम स्टेप्स का, मैं आपको बताता हूँ। एक बार इतनी हिम्मत अगर कूदने के लिए बंदा सोसाइटी कर रहा है ना, एक बार इतनी हिम्मत जुटा के अपने पेरेंट्स को बुला के एक बार बोले कि पापा मुझसे नहीं हो पा रहा है। 100 में से मैं बोल रहा हूँ 1000 में से 999 पेरेंट्स ऐसे हैं जो फोर्स नहीं करते, एक ही पेरेंट्स ऐसा होगा 1000 में से जो बोलता है, और इवन लाखों में से। इतनी अगर आप इतनी अपने अंदर एनर्जी ला रहे हो ना, इतना अपने आपको मोटिवेट कर रहे हो गिरने के लिए, एक बार अपने पेरेंट्स को बुला के बोलो कि पापा नहीं हो पा रहा है। किसी का पेरेंट्स नहीं होता, ये पेरेंट्स खड़े हमें से पूछे, कोई नहीं बोलता इस बात को। आप बोल रहे मेरा अभी जस्ट मैं अभी एक नीट दिया, मेरे को 180 मार्क्स आया, मेरे पेरेंट्स से कुछ नहीं बोला, सीधा बोला होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। मैं क्या बोला, 1000 में से एक पेरेंट ऐसा होगा, फिर भी आप ना मैं जैसे इन स्टूडेंट से बात कर रही थी, ये फाइनेंशियली उस बैकग्राउंड से नहीं है कि इनके पेरेंट्स, एक मिनट मैं बात कर रही हूँ, एक मिनट रुकिए, मैं भी नहीं नहीं, तो वो ये बता रहे हैं कि जिनके पेरेंट्स लोन लेके बच्चे को भेज रहे हैं, लोन लेके पढ़ा रहे, वो ये तो नहीं कह रहे कि नहीं तुम एक्सट्रीम स्टेप हो, लेकिन वो बार बार ये रिमाइंडर तो दे रहे हैं कि बेटा कोशिश कर लो, देखो हमने पैसे लगाए हैं, हमने कोशिश की है, आप थोड़ा सा। वही तो मैं बोल रहा हूँ, कोशिश करना सबका, कोशिश करना होता है, कर्म का फल मिलता है, आप जितनी मेहनत करोगे वही मिलेगा। लेकिन आप जब इतना बड़ा कदम उठाने के लिए सोच सकते हो ना, सिर्फ 1% सोच लीजिए कि एक बार पापा को कॉल मिलाइए, उनको मम्मा पापा को बुलाइए, उनको बोलिए कि पापा नहीं हो पा रहा है, पेरेंट्स बोलेंगे बेटा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। आप में से किसी का कोई ऐसा दोस्त है जिसने कभी ऐसा एक्सट्रीम स्टेप लिया हो? आप में किसी के क्लोज सर्कल में? हमेशा बहुत समझाता हूँ, रिसेंटली कुछ लोग मुझे डिमोटिवेट लगते हैं तो मैं उनको बहुत समझाता हूँ कि भाई ऐसा नहीं करना है, नहीं हो रहा है, एक बार अपने पेरेंट्स को कॉल करके बोलो। किसी के पेरेंट्स माँ बाप ऐसे नहीं है कि छोड़ देंगे। कट ऑफ में बहुत वेरिएशन है, जैसे छत्तीसगढ़ में 520 मार्क्स पे जनरल कैटेगरी का सिलेक्शन हो जा रहा है, 520 मार्क्स में छत्तीसगढ़ में हो जा रहा है, यूपी में सेम कैटेगरी जनरल कैटेगरी में भी 610 जा रहा है, राजस्थान में इवन हाई जा रहा है 630 जा रहा है, 621 जा रहा है मैम, एक ही कैटेगरी का। कट ऑफ का रीजन देखिए ना, तो रिजर्वेशन बहुत है, रिजर्वेशन आप हर जगह दो, बट एजुकेशन वाली फील्ड में रिजर्वेशन मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। रिजर्वेशन की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सेम कैटेगरी, रिजर्वेशन अलग मैटर है, मैं कह रहा हूँ जनरल कैटेगरी का छत्तीसगढ़ में 520 कट ऑफ जा रहा है और राजस्थान यूपी हरियाणा जैसे स्टेट में 620 जा रहा है सेम कैटेगरी में। जैसे ओबीसी का छत्तीसगढ़ में 510 जा रहा है तो राजस्थान में 610 जा रहा है। तो मैम ये वेरिएशन है अलग अलग स्टेट्स में, आप ऐसे नहीं कंपेयर कर। डिपेंड भी तो करता है कि नंबर उस स्टेट में नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, नंबर ऑफ, वो तो प्रोसीजर वो है ना। बाकी स्टेट्स जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा है जैसे ये उत्तर प्रदेश है, उनको अपने यहाँ सीट्स इंक्रीज करनी चाहिए ना। जैसे छत्तीसगढ़ छोटा सा स्टेट है, छत्तीसगढ़ में 14 मेडिकल कॉलेज है। नहीं जैसे अगर आप बोल रहे हैं जहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है तो फिर आप स्टेट वाइज जो है एग्जाम करवाइए ना, अगर आप नेशनल एग्जाम करवा रहे हैं तो फिर नेशनल काउंसलिंग रखिए। असम में ओबीसी जनरल जो है 450 पे MBBS मिलेगा, लेकिन यूपी बिहार में आएंगे तो अभी सेकंड राउंड खत्म हुआ है, 612 मार्क्स गया है कट ऑफ। वही मैम, कोई बच्चा इंटेलिजेंट है तो जरूरी नहीं है उसको सीट मिल जाए, वो अलग अलग स्टेट्स के हिसाब से वेरी करे। मध्य प्रदेश में आपको सेम कैटेगरी 550 पे मिलेगा। अब एक मिनट, अब आप सबके अलग अलग थॉट्स है, आप सबके अपने अपने लॉजिक है, एक मिनट हम आपसे भी बात कर रहे हैं मैम, 5 मिनट चाहिए, सीट्स बढ़नी चाहिए। हाँ मैं दो तीन सवाल है मेरे, एक सेकंड पहले सवाल सुन लीजिए, दो तीन सवाल है। एक, क्या सोल्यूशन दिखता है आपको दोनों ही चीज़ों का, एक तो ये जो आप लोग सीट्स की बात करें और दूसरा ये जो हम आज मैं भी खड़े होकर जो बात कर रही हूँ कि 2023 में अगस्त तक, अब अगस्त खत्म होने वाला है, 23 ऐसे इंसिडेंट्स हुए, ये सुसाइड इंसिडेंट्स कैसे कम होंगे, क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए, आपको क्या सोल्यूशन दिखता है? वो हर तरह से, वो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के तरफ से हो सकता है, वो पेरेंट्स की तरफ से और वो प्रशासन और सरकार की तरफ से। पेरेंट्स की तरफ से एक चीज है, लास्ट ईयर लोगों ने लाया था लाइक यहां के जो कलेक्टर सॉल्यूशन, इसका मैम दो सॉल्यूशन है। एक, आप ही कोचिंग जो आपका मेंटोर है आप उससे जाके बात कीजिए, सर हमारा नहीं हो रहा है, किस वजह से नहीं हो रहा है, आप उसको अपने मेंटोर को पहले एक्सप्लेन कीजिए, वो आपको मोटिवेट करेगा कि बेटा ठीक है आपका इसमें नहीं हो रहा है, आप दूसरी फील्ड में ट्राई कीजिए, आप एक साल तैयारी की आपका नहीं हुआ। आप लोग तो कह रहे थे ऐसा कोई मेंटोर नहीं है जो इस बात पे मोटिवेट करे, प्रॉब्लम लेके जाओ तो सॉल्व कर, कह रहे थे कोचिंग वाले ऐसा क्यों करेंगे जब मैं आपसे सवाल करेगा, हम एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको, आप
करें, कोचिंग वाले ऐसा क्यों करेंगे? बाय द वे जैसे अब मैंने कहा कि कोचिंग वाले ऐसा क्यों करेंगे, जैसे इनको ये स्टूडेंट है, हम स्टूडेंट है, ठीक, हम भी पढ़ रहे हैं, ये भी पढ़ रहे हैं, पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, ठीक। मान लीजिए इनके अंदर गट्स ज्यादा है, ये मेंटोर्स गए डायरेक्टली बात किए, सर हमको ये प्रॉब्लम है, हर बच्चा मेंटोर्स भी बात नहीं कर पाता, क्योंकि पता है अगर हम पढ़ने में वीक है तो मेंटोर भी हमारी कम सुनेगा, कहेगा बेटा पहले आप मेहनत कीजिए, अब उसको नहीं पता कि हम क्या मेहनत कर रहे हैं। और दूसरा ऑप्शन है पेरेंट्स भी आपका नहीं सुनेगा, अगर आपके पेरेंट्स हैं अब कोटा भेज दिए तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहीं से खत्म। अगर अगर ये सोचते हैं ना कि मतलब अगर तुझसे पहले भी नहीं हुआ तो अब तुझे इतना का फैसिलिटी तुझे पूरी मिल रही है, तुझे करना है तो करना है, अगर और करने वाला क्या नहीं कर सकता, करने वाला क्या नहीं कर सकता, कोशिश बोल देगा कि बेटा हम आपको कोटा भेज दिए, पैसा ले लिए भैया से, पैसा लेके लोन पे लेके आपको भेज दिए, आपने शायद मेहनत नहीं की होगी, पेरेंट्स कहेगा आपने शायद मेहनत नहीं की होगी, पेरेंट्स आप पूरी सोसाइटी, नॉट जस्ट पेरेंट्स, बार बार पेरेंट्स शब्द का इस्तेमाल नहीं, पूरी सोसाइटी का ही है, आप ब्लेम नहीं कर सकती है ना, क्यों आपके आस पेरेंट्स अगर आपका सपोर्ट नहीं करेगा तो पूरी सोसाइटी क्या उम्मीद रखेगी, पेरेंट्स अगर सपोर्ट कर भी दिए तब भी बच्चों के मन में एक ये थॉट भी तो रहता है कि वो कौन थे जो यहाँ खड़े थे, वो यही कह रहे थे पेरेंट्स, ज्यादा मुझे इस बात की टेंशन रहती कि अड़ोसी पड़ोसी क्या कहेंगे, पड़ोसी मैम दुनिया की सुनेंगे तो 10 लोग हैं, 10 तरह का मुंह है, दुनिया 10 तरह की बात बोलेगी, पेरेंट्स की सुननी चाहिए, पेरेंट्स की सुनिए, जो आपको जन्म दिए हैं धरती पे, जो आपको पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं, अगर आप उनकी नहीं सुन पाएंगे तो आप सोसाइटी की क्या सुनेंगे, आंटी आपको कुछ बोल रही है, भैया आपको कुछ बोल रहे हैं, आप उनकी सुनेंगे, या आपके फादर आपको बोले कि नहीं बेटा ये कदम सही नहीं है, आप इसको ना ये कीजिए, और यही भैया बोल रहे हैं नहीं बेटा ऐसा करो ये ज्यादा सही है, आप अपनी पेरेंट्स से सुनेंगे ना, जो आपको पाल पोस के बड़ा किया, जो आपके पीछे खर्च किया पैसा, जो आपको इस लायक बनाया कि आप बेटा यहाँ जाइए ये पढ़िए, आप उनकी सुनेंगी ना। आपको क्या सोल्यूशन लगता है इन केसेस का, क्या सलूशन हो सकता है? बच्चे को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सारी बात ही है, ठीक है, कॉन्फिडेंस पहली बात, तो सीट्स बढ़ जाए, हाँ। सबसे पहला सॉल्यूशन यही है, अगर सीट बढ़ेंगी तो उसके हिसाब से तो यही होगा कि हाँ, क्योंकि सब यही चाहते हैं कि सबका सिलेक्शन हो, कौन नहीं चाहता कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो, ये भी चाहेगा मेरा सिलेक्शन। साल में 200,000 बच्चे अटेम्प्ट दे रहे हैं तो 200,000 सीट्स तो नहीं हो सकती ना, 200,000 की नहीं ना, मतलब जैसे कोई बच्चा एक साल ड्रॉप कर रहा है, 2 साल से ड्रॉप कर रहा है, तीसरी बार में तो उसका निकलेगा ही। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था सभी प्राइवेट कॉलेजों में 50% सीट गवर्नमेंट फी पे एडमिशन होगा, इन्होंने 2021 में बोला, बट आज तक लागू नहीं हुआ, अगर इतना भी कर देते मैं ना, ये बस बोल देते फिर गायब हो जाते हैं, इन्होंने एक अगर इतना भी कदम कर लिया होता, सुसाइड बोल रही है मैम, सुसाइड का क्या है, तो सुसाइड का ये है कि जैसे पहले तो ना तो पेरेंट्स गाइड कर रहे हैं कि नीट और जेई के अलावा भी करियर ऑप्शंस हैं, कोचिंगें 1.5-2 लाख रुपए फीस ले रही है, नहीं हो रहा है, नंबर कम आ रहा है, तो वो बच्चे उनके लिए बैंकर्स हो गए, रैंकर्स को वो छांट के अलग रख दे रहे हैं, और ऊपर से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि बच्चा 11th में आया है, पहली बार घर से निकला है, उनको बताया कि नीट नहीं होगा तो अलग करियर ऑप्शन है उस पे जाए, लेकिन वो नहीं मिल रहा। मैम वही जो सोसाइटी की बात कर रहे हैं, सोसाइटी को ये नहीं पता है कि यूथ, जैसे दो बच्चों का एग्जांपल ले लीजिए, एक दोनों कोटा में पढ़ रहे हैं, एक छत्तीसगढ़ का है वो 530 स्कोर करता है, एक बिहार का है वो 580 स्कोर करता है, 580 वाला ज्यादा मेहनत भी किया, इंटेलिजेंट भी है, बट वो सेलेक्ट नहीं होगा। दूसरे की नहीं, मैं खुद बता रहा हूँ भाई, 512 पे बता रहे इनका सिलेक्शन हुआ, मैं यूपी से हूँ, ओबीसी कैटेगरी है, 601 मार्क्स आए, ऑल इंडिया 29,998 रैंक है, उसके बावजूद आज दोबारा ड्रॉप लेना पड़ रहा है, और यही सरकार 96,000 ऑल इंडिया रैंक में गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल रही है, सरकार बोल रही है कि सीट्स बढ़ रही है, सीट का डेटा देखेंगे तो जो है आज से 10 साल पहले जब कट ऑफ 400 जाती थी, 380 420 440 जाती थी, तब 36,000 गवर्नमेंट सीट्स थी, आज 50,000 है, 15,000 बढ़ी है, लेकिन उस वक्त 14,000 जो है प्राइवेट सीटें थी, लेकिन आज 50% से ज्यादा प्राइवेट सीटें हैं। तो ये कुछ स्टूडेंट्स थे जो हमें कोचिंग सेंटर्स के बाहर मिले, इनके क्या थॉट्स हैं, ये क्या सोचते हैं, ये आपने सुना, आप क्या सोचते हैं, आप किस बात से अग्री करते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये पूरी बातचीत कैमरे के पीछे से मेरे साथी रूहानी ने रिकॉर्ड की, मेरा नाम सोनल है, कोटा से हमारी कवरेज लगातार जारी है, आप जुड़े रहिए ललित डॉट के साथ, शुक्रिया।